May I come in? Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. फिल्म सारी आप सभी लोगों का रॉकिंग स्टार यश संजू बाबा प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ द्वितीय यानी केजीएफ चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई है? नेक्स्ट सैटरडे यू मी एवरीवन एंड द वर्ल्ड वुड हैव विटनेस्ड द डे वन ऑफिशियल कलेक्शंस। अगला हफ्ता ये सैटरडे आप और मेरे सभी लोगों के सामने पहले दिन ये कलेक्शंस आ गए होंगे। तमिलनाडु के कलेक्शंस आ गए होंगे, कर्नाटका के कलेक्शंस आ गए होंगे, इसके जो हिंदी बेल्ट्स हैं उसके कलेक्शन आ गए होंगे एंड द ग्रैंड वर्ल्ड वाइड टोटल। यस फ्रेंड्स, वो वर्ल्ड वाइड टोटल जिसका इंतजार हम लोग अभी पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं वो हमारे सामने होगा। लेकिन एक्साइटमेंट कंट्रोल में रखते हुए नाउ इट्स टाइम फॉर बिजनेस। 6 days टू गो फॉर KGF चैप्टर 2 एंड दिस फिल्म मीन्स अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट मीन्स अ लॉट ऑफ मनी। हर एक टेरिटरी, हर एक शहर, हर एक सिनेमा घर में ये गाइज अविश्वसनीय बिजनेस करने वाली है। चलिए आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले विथ द यू नो लॉजिकल प्रेडिक्शन जिसे कहते हैं, यू नो कि अचीवेबल, आने वाले समय में अचीव हो सके उस तरह के प्रेडिक्शन हम करेंगे। सबसे पहले ऑल टेरिटरी वाइज, ओके, जो जितने लोग ट्रिपल आर के एपिसोड्स देख रहे हैं उनको पता है मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूँ। तो गाइस, ट्रिपल आर एक लौती फिल्म है जहां पर हमने एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 15-16 डेज तक, चाहे वो आंध्र हो, तेलंगाना हो, यू नो जैसे कि सीडेड हो, नेल्लूर हो, वेल्लूर हो, उत्तर आंध्र हो, यू नो ईस्ट वेस्ट, सब कलेक्शन जो है वो ट्रैक किए इंक्लूडिंग नेट एंड शेयर। अब हम बात करें केजीएफ 2 के साथ, गाइस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोन है। एंड कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना हर एक ट्रैकर अपने स्टेट का कलेक्शन या फिर अपनी जगह का कलेक्शन लैंग्वेज का कह रहा है कि मेरा सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं हिंदी वालों को पूछूंगा तो वो बोलेगा नहीं, कन्नड़ वर्जन से ज्यादा हिंदी वर्जन कमाएगा। तेलुगु वालों को पूछ रहा हो तो बोलते नहीं, तेलुगु स्टेट ज्यादा कमाएंगे। कन्नड़ वालों को पूछ रहा हो तो अरे गुरु नम फिल्म नम स्टेट जास्ती कलेक्शन आ गता है, या ना कन्नड़ा मूवी जास्ती कलेक्शन आ गता है। तो हर लोग अपना अपना एक अलग प्रेडिक्शन दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर स्टेट में अच्छे कलेक्शंस हो। लेकिन अब थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में गाइज ये फिल्म पहले दिन कहीं ना कहीं 30-40 करोड़ कमाने का बिजनेस क्या मादा रखती है। वी टॉकिंग अबाउट ग्रॉस, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा। अब गाइज ये अचीवेबल कब होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। सुनने में आ रहा है कि यू नो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टिकट हाइक्स जो है उसकी परमिशन के लिए यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया है। यानी कि अगर टिकट हाइक्स, यानी कि बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, वहां पर गवर्नमेंट का रूल है कि हाई बजट फिल्म्स, फिल्म्स जिनका बजट 100 करोड़ के ऊपर है, वो अगर गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेते हैं तब जाके उनको टिकट हाइक्स जो है, यानी कि टिकट के भाव बढ़ाने की परमिशन जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर केजीएफ वाले वो करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर हुआ देन गाइस आंध्र प्रदेश तेलंगाना वी हैव अ 50 करोड़ फर्स्ट डे। बात करूं तमिलनाडु की तो गाइस तमिलनाडु पूरा का पूरा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने अपने सामने रखा है। एग्जैक्टली कितने स्क्रीन्स है, चेन्नई हो, चेंगलपेट हो, कोयम्बतूर, मदुराई, नॉर्थ एंड साउथ आर्कॉट, सालेम, धर्मपुरी, त्रिनोवेली, कन्याकुमारी, त्रिची, तांजोर, तो ये सारी की सारी जगहों पर अगर मैं मिला लूँ स्क्रीन्स तो गाइस कम से कम 1104 स्क्रीन्स है वहां पर। सुनने में आ रहा है कि 920 को जाएगा। ओके, अगर केजीएफ को बाकी के भी स्क्रीन मिलते हैं एंड गाइस वहां पर ये परफॉर्मेंस की उम्मीद रखता है, एंड गाइस तमिलनाडु से हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि तमिलनाडु के कलेक्शंस एटलीस्ट टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़ रुपया है। ये मैं आपको बेयर मिनिमल बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 5 करोड़ तमिलनाडु से हम लोग पहले दिन का जो है वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर 5 करोड़ तो मिनिमम है, इसको अगर 350 स्क्रीन में मिलता है देन गाइस 5 करोड़ के ऊपर डेफिनेटली जाएगा। बाहुबली आई स्टिल रिमेम्बर ऑलमोस्ट इतने ही स्क्रीन में 300 उसके 5 करोड़ के ऊपर तमिलनाडु किया था। तो अब हाइप इस तरह से चल रहा है, जिस तरह तमिलनाडु की बुकिंग्स चल रही है, 5-7-8 करोड़ कहना बहुत इजी रहेगा। एंड ऐसे ही चलता रहा एंड डिस्पाइट बीस्ट हम लोग गाइज यहाँ पर तमिलनाडु से एटलीस्ट 10 करोड़ की उम्मीदें यहाँ लगा सकते हैं। तो एपी तेलंगाना 40 अगर हाइक मिला, तमिलनाडु 10 ग्रॉस पकड़ लो, 70 करोड़ मेरे पास, 40+10 50 करोड़ सॉरी मेरे पास ही यहाँ पर है। हिंदी की बात करूं तो गाइस हिंदी में वी आर एक्सपेक्टिंग 50 करोड़ का नेट।
दैट इज सिंपली इक्वल टू 60 करोड़ का ग्रॉस। तो यहाँ पे 60-40-100 प्लस 110 करोड़ मैं इंडिया में लेकर बैठा हूँ केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। तो आप मेरा एपिसोड समझ रहे हो, अगर जो समझने वाले हो समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। 110 करोड़ आई हैव विथ ओनली आंध्र प्रदेश तेलंगाना विथ तमिलनाडु एंड इन द हिंदी वर्जन इन ग्रॉस कलेक्शंस। ओके, बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास आता है यहाँ पर कर्नाटका, द मेन टेरिटरी कर्नाटका। कर्नाटका में अगर मैं पहला दिन 40 करोड़ का ग्रॉस पकड़ के चलू, देन गाइज वी हैव 150 करोड़ ऑन टेबल विदाउट द ओवरसीज। तो कल मैं जो तर्क दे रहा था कि 200 मारेगी पहले दिन, ये सब मैंने इस तरह से डिविजन किया है कि 150 करोड़ वी हैव इट ओवर हियर। एंड यहां पर मैंने केरला शुरू भी नहीं किया मेरा भाई। हाँ, केरला अगर आता है गाइज यहां पर, तो एटलीस्ट केरला 5-6 करोड़ जो है पंप इन करने की पूर्ण तरीके से कोशिश करेगा। एंड अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 155-156 करोड़ का जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पर होते हुए एकदम आसान तरीके से दिखाई देता है। पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टिकट हाइक्स जो है वो मिल जाने चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है ओवरसीज कलेक्शंस की। ओवरसीज में क्या इस फिल्म का, हाँ ओवरसीज में अगर ये फिल्म एटलीस्ट 3-3.5 मिलियन गई, अगर एटलीस्ट तो 30 करोड़ तो यहीं पर मेरे हाथ में है। ओके, कन्वर्जन कर लीजिए आप लोग, तो 180-185 करोड़ वर्स्ट केस सिनारियो केजीएफ कैसे भी फर्स्ट दिन वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ कर रही है। एंड दिस इज 6 डेज बिफोर रिलीज। आई कैन बेट इट टू यू, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग के गाइज ये फिल्म आराम से 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड करने की क्षमता रखती है। इसी के साथ आई होप ये थोड़ा छोटा सा एनालिसिस था मेरा, आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जब कलेक्शंस आएंगे तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु के कलेक्शंस के बारे में क्या बोल रहा हूँ। अब गाइस द मेन न्यूज इज दैट डैलस में केजीएफ 2 की एक कार रैली रखी गई है यहाँ पर 9 अप्रैल को सैटरडे को 4:30 PM को। तो वहां पर आप लोगों को ज्वाइन करना है रसल क्रीक पार्क प्लानो, वहां पे आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। तो यश की जो कार थी वहां पे हमने देखी थी, जो मस्टैंग थी MYM 8055 दैट इज बॉस, वो वहां पे आई थिंक कार रैली ऑर्गेनाइज की है। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड की थिएटर लिस्टिंग तेलुगु कन्नड़ा मलयालम तमिल सब कुछ आ चुका है। ऑकलैंड हैमिल्टन क्राइस्टचर्च वेलिंगटन उसके बाद जितनी भी जगह है यहाँ पर हॉइट सिनेमा सभी जगहों पर लिस्टिंग लग गई है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। अब गाइज यहाँ पर ये जो था वो ट्रिपल आर के साथ भी हुआ था, अब बहुत फेमस होते जा रहा है। हरमन रिटेल कॉर्नर जो लॉस वेगस है, यू नो लॉस वेगस आई थिंक बुलेवार्ड सूट 325 लॉस वेगस, यहाँ पर गाइज ये लोग पूरा का पूरा बिलबोर्ड जो है बिगेस्ट बिलबोर्ड है वहां पर ये लोग रॉकी एंड बाबा का जो होर्डिंग है वो यहाँ पे डिजिटल जो है वो लगाने वाले है। तो गाइज केजीएफ चैप्टर 2 इन ऑल साउथ लैंग्वेजेस यहाँ पर वो पोस्टर जो है वो लगने वाला है। साउथ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है इनके वो वहां पर एक कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, सेल्फी लीजिए और उनको टैग कीजिए। केजीएफ की बात करूं तो यूएसए में प्री सेल्स जो है वो 2.5 लाख के ऊपर हो चुके हैं। तो $2.5 लाख कंफर्म करके चलिए आप लोग। इसमें से तेलुगु वर्जन इज मोर लाइक 69-70% का तेलुगु वर्जन हुआ है एंड बाकी कन्नड़ा वर्जन जो है वो 30% है। आई थिंक आने वाले समय में जितने भी कलेक्शंस है वो इक्वल हो जाएंगे। 13 को फिल्म रिलीज होने वाली है। फ्रांस में ये पिक्चर जो है वो 3 भाषाओं में रिलीज होने वाली है, ओके तमिल तेलुगु एज वेल एज कन्नड़ा, ये वहाँ की जानकारी है। आज सुबह केजीएफ चैप्टर 2 के जो इमोजीज है केजीएफ चैप्टर 2 #, KGF2 #, एंड KGF2 on April 14 इसके जो हैशटैग्स हैं वो पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है वो रिलीज किए गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी पूरा का पूरा न्यू साउथ वेल्स उसके बाद जितने भी लोग हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया उसका एक पोस्टर जो है वो रिलीज किया है कि वो फिल्म वहां पर रिलीज होने वाली। तो गाइज ये था पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। होमबले फिल्म ने कहा है बिग अनाउंसमेंट कमिंग टुमारो 11:15, ये कोई सलार या केजीएफ की अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, ये अनाउंसमेंट होगा होमबले फिल्म कंबाइनिंग विद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ओके, तो कल ये अनाउंसमेंट है 11:15 पे, 2 कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 ग्रेट ड्रीम्स बॉर्न इन बैंगलोर टू ट्रिल द नेशन, इसकी एक्साइटमेंट है कल अनाउंसमेंट। एंड गाइज यहाँ पे फरहान अख्तर ऑब्वियसली एक्सेल जो फिल्म को हिंदी में ला रहा है यहाँ पर वो, प्रशांत नील एंड यश आप सभी लोगों के लिए सामने कुछ लेकर आने वाले हैं, उसके लिए इंतजार कीजिए। सबसे बड़ी बात आईमैक्स मेलबर्न जो है ये आपके लिए 14 अप्रैल एंड 16 सैटरडे अप्रैल में आईमैक्स 4K लेजर डिजिटल में 6 बजे एंड 9 बजे फ्राइडे 6 बजे एंड सैटरडे 9 बजे केजीएफ के एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग जो है वो रख रहा है। ओके गाइस, दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो फॉर केजीएफ चैप्टर 2। 301 लोकेशंस,
More than 1,100 shows for KGF Chapter 2 in United States of America. More than 11,000 tickets have been sold. मैं सारे के सारे cinemas जैसे कि AMC, Bose, Cinemark, Imagine, you know, Regal, सारे के सारे कन्नड़ा तमिल तेलुगु versions में including IMAX, regular reserve seating सब calculate करके आप लोगों को daily एक idea दूंगा exactly क्या हो रहा है. So guys, आपको कुछ नहीं करना है, नोटिफिकेशन दबाकर आपको केजीएफ का जो एपिसोड है वो एंजॉय करना है. चलिए बुकिंग पे ध्यान देते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर. तो हिंदी से चालू करते हैं. हिंदी 2D के मुंबई में 461 शोज है जिसमें से 18 हाउसफुल हो चुके हैं, 85 फास्ट फिलिंग है, 1 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन आ चुका है. दिल्ली एनसीआर में 463 शोज है हिंदी वर्जन के, 27 हाउसफुल शोज है एंड 190 फास्ट फिलिंग है. बाप लेवल का ऑक्यूपेंसी चल रहा है वहां पर, ऑलमोस्ट 33% की ऑक्यूपेंसी है, 1.5 करोड़ के ऊपर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. पुणे में 188 शोज है, 6 ऑलमोस्ट फुल एंड 65 फास्ट फिलिंग है, ऑलमोस्ट 60 लाख की एडवांस है. कोलकाता में 137 शोज में 20 शोज आर हाउसफुल, 55 फास्ट फिलिंग. अहमदाबाद 186 शोज में 12 हाउसफुल, 49 फास्ट फिलिंग है. सूरत में जलसा चाले से 126 शोज छे, 8 हाउसफुल, 37 फास्ट फिलिंग. लुक एट जयपुर, 68 शोज, 6 हाउसफुल, 29 फास्ट फिलिंग. चंडीगढ़ 73 शोज, 9 हाउसफुल. भोपाल 48 शोज, 3 हाउसफुल. कानपुर ऐड किया है 13 शोज, 4 हाउसफुल. नागपुर 31 शोज, 2 हाउसफुल. बात करो गाइस यहां पर आगरा की, 23 शोज, 2 हाउसफुल. नासिक 21 शोज, 4 हाउसफुल. उसके बाद राजकोट में 24 शोज, 10 हाउसफुल. जमशेदपुर 15 शोज, 6 हाउसफुल. प्रयागराज, यहाँ पे प्रयागराज में 13 शोज है, 5 हाउसफुल है. एंड गाइस बात करो भुवनेश्वर की, तो आप सभी लोगों के डिमांड पर भुवनेश्वर 48 शोज में गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 लाख का एडवांस हुआ है एंड 97% की ऑक्यूपेंसी है भुवनेश्वर में. तो ये बात आप लोग याद रखना कि ये फिल्म खेल रही है. 55 शोज है भुवनेश्वर में, 48 हाउसफुल है, 7 फास्ट फिलिंग है एंड एक्सटेंसिव केजीएफ चैप्टर 2 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट. दिस इज गोना ब्रेक एवरीथिंग गाइस. ये सब कुछ खेल खेलने वाला है. एंड गाइस मलयालम की बात करो, जो लोग सोच रहे हैं कि कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्यों नहीं बता रहा हूं, उसकी एडवांस बुकिंग कल शुरू होने वाली है. कोच्चि में 92 शोज है, 54 हाउसफुल है. त्रिवेंद्रम में मलयालम वर्जन 43 शोज है, 10 हाउसफुल है. कोझिकोड़े में 27 में 25 हाउसफुल. त्रिशूर में 66 में से 26 हाउसफुल. कोल्लम में 31 में 23 हाउसफुल. कोटायम में 19 में 14 हाउसफुल. एलपी में 24 में 13 हाउसफुल. दिस इज गोइंग टू बी अ रायट. इतना अगर आपको कम लग रहा है, तमिल वर्जन चेन्नई 112 शोज में 79 हाउसफुल. मदुराई में 46 शोज में 17 हाउसफुल. बेल्लूर में 15 शोज में 4 हाउसफुल. कोच्चि में 8 में 8 हाउसफुल. त्रिवेंद्रम में 71 में 27 हाउसफुल. दिस इज टेकिंग अ ब्लाइंडर. मैंने जो भी आपको फिगर्स बताए हैं ये बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स बताए हैं. एंड जहां तक मेरा गट बोल रहा है, वी आर गोइंग एट 200 करोड़ डे वन मेरा भाई. केजीएफ चैप्टर 2 द न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बॉक्स ऑफिस इज री रिटन ओवर हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. ओके गाइस, एपिसोड्स पसंद आ रहा है जितना हो सके लाइक कीजिए. वी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5,000 लाइक्स ऑन एवरी एपिसोड. तो आपके लाइक्स के ऊपर डिपेंड करता है सारे के सारी यू नो आने वाली रिपोर्ट्स. जितना हो सके लाइक करो, नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो. ओके, चैनल के ऊपर हर दिन आपको एक केजीएफ का एपिसोड जरूर मिलेगा, द रोड टू केजीएफ. ओके गाइस, क्योंकि और भी फिल्में हैं, बीस्ट है, यू नो जर्सी भी है. मेरी विनंती है आप लोगों से सभी फिल्मों को सपोर्ट कीजिए. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.